हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए मई 2023 कैसे जाने वाला है, सेहत कैसी रहेगी, धन संपदा की क्या स्थिति है, मेहनत कहाँ कर रहे हैं, घर में शांति रहेगी कि नहीं, संतान या प्रेम का सुख मिल रहा है, कोई ऋण रोग परेशान तो नहीं कर रहा है, दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी, भाग्य सपोर्ट करेगा कि नहीं, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कोई सीनियर परेशान तो नहीं करेगा, पैसा कहाँ से कमाएंगे और खर्च कहाँ से करेंगे, खर्च कहाँ पे करेंगे, इनकी बातें करें, चर्चा आरंभ करें। उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपकी राशि, आपकी लग्न तुला है, तुला मतलब पलड़ा बराबर, न्याय करना। तो हम आपके लिए इतने बढ़िया वीडियो बना रहे हैं तो आपकी विनती जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई नुकसान नहीं है आपका। चित्रा, स्वाति, विशाखा, तीन तीन नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग, मई माह आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे जाएगा, पहले हम पॉइंट पे बात करेंगे स्वास्थ्य, क्योंकि काया राखे धर्म है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा स्वास्थ्य होता है। तो 2 मई को आपके लगन के स्वामी शुक्र महाराज, जो स्वास्थ्य के सर्वे सर्वा हैं, स्वास्थ्य इन्हीं के पास है, ये प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि का मतलब भाग्य के घर में, तो अच्छा है, भाग्य के घर में लग्न का जाना बेहतर परिणाम देगा, धर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का स्नेह सहज ही आपको मिल जाएगा, तो बेहतर समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जाएगा। शुक्रदेव आपके कुंडली में लगन के साथ साथ अष्टम मतलब गुप्त विद्या, गुप्त चीज़ों के कारक हैं, तो गुप्त चीज़ें भी आपको प्राप्त होंगी, धर्म का गुप्त ज्ञान प्राप्त होगा, धर्म के जो गूढ़ चीज़ें हैं उनकी आपको सहज प्राप्ति होगी, धार्मिक यात्रा तो बनती है, और उस धार्मिक यात्रा के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा आप देखें तो 2 मई से 30 मई तक शुक्रदेव यहीं पर विराजमान है। अब शुक्रदेव जब मिथुन राशि में चलेंगे तो तीन नक्षत्रों का प्रभाव लेकर चलेंगे, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। आपके लगन में मंगल हैं, आपके राशि में मंगल हैं, आपके राशि में राहु हैं और आपके राशि में गुरु हैं, और भाग्य के घर में भी तीनों हैं, तो तीनों का सामंजस्य बहुत बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय डेफिनेटली बेहतर जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके धन व्यापार की क्या स्थिति है। भाई देखो, यश टका ना अस्थि सा टक टका रहते, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, कहते हैं खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ जो है ना तीनों को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस माह में आर्थिक रूप से आप कैसे रहेंगे ये आपके मंगल महाराज बताएंगे। तो 3 मई तक, 10 मई तक आपके मंगल देव नवम भाव में प्रवेश चल रहे हैं, इसके बाद ये जाएंगे दसम भाव में, तो बेहतर है आर्थिक रूप से। जैसे दसम भाव में जाएंगे तो व्यापार का स्वामी कर्म में, धन का स्वामी कर्म में, जाते ही नीच के नहीं होंगे, जाते ही बिल्कुल नीच के नहीं होंगे, मन में ही भ्रम हटा दीजिएगा कि कर्क में प्रवेश किए और प्रवेश करते ही नीच के हो गए, नहीं, मई माह तो आपको मंगल के नीचत्व का फल नहीं मिलेगा, मंगल बेहतर फल देंगे। गुरु के मृगशिरा में जब तक रहेंगे बहुत सुंदर फल देंगे, आर्द्रा में जाएंगे, राहु आपकी अगर कुंडली में इस समय सप्तम भाव में चल रहे हैं, बेहतर परिणाम देंगे, बेहतर परिणाम देंगे, व्यापार को गति पकड़ाएंगे, बड़े लोगों से सामंजस्य बनेगा, अच्छा संबंध रहेगा, तो बेहतर स्थिति देते जा रहे हैं। मंगल आपके दाम्पत्य जीवन के भी कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, अतः दाम्पत्य जीवन भी बेहतर जाएगा। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी निगेटिव पड़ेगी, जब भी सप्तमेश कर्म भाव में बैठ जाए तो स्थितियाँ कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी आप वर्क प्लेस पे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा काम आ जाता है उसको फिनिश करने के लिए, घर की अपेक्षा वर्किंग प्लेस पे ज़्यादा समय देते हैं, या घर की चिक चिक से बचने के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप वर्किंग प्लेस पे ज़्यादा समय देते हैं, ये भी स्थितियाँ एक बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सप्तम भाव में जो चतुर्ग्रही योग है ना वो थोड़ा सा परेशान तो कर रहा है। फिर भी मंगल का गोचर बेहतर फल देता हुआ जाएगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी और व्यापार के लिए, धन के लिए, तीनों के लिए बेहतर फल जाता देता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए बुरा फल नहीं देंगे। देखिए, केतु के नक्षत्र में
गुरु चल रहे हैं और केतु कुजवत होता है, इसलिए यहाँ पे गुरु अभी नहीं बिगाड़ेंगे। भरणी में जब जाएंगे तब इनकी स्थितियाँ अलग होंगी शुक्र को देख के। यद्यपि गुरु का रोल यहाँ पे तुला लगन में अच्छा नहीं होता, इसलिए गुरु की रश्मियों को डिस्कनेक्ट करिए, गुरु को प्रणाम करिए, गुरु को चीज़ों का दान करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। शनि महाराज पंचम भाव में स्वग्रह ही मूव कर रहे हैं राहु के सबसे खूबसूरत नक्षत्र शतविशा नक्षत्र में। शत तारका नक्षत्र 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेकर चलने वाला नक्षत्र है, तो 100 डॉक्टरों की शक्ति आपके अंदर इस समय सन्निहित है। मतलब आपका जो एजुकेशन है, आपका जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो तर्क शक्ति है वो प्रबल रहेगी और आप 100 लोगों के बराबर अकेले काम करने की क्षमता से युक्त हैं। अपनी क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए। आपके कुंडली में बुध महाराज आपके भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है मित्र। भाग्यम फलत सर्वदान विद्यान च पौरुषम। भाग्य सपोर्ट करे ना, किसी के सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और भाग्य भाव का जो स्वामी बुध है वो अभी वक्री हैं। कब तक वक्री हैं? 15 मई तक वक्री हैं। कहाँ पर वक्री हैं? आपके सप्तम भाव में वक्री हैं। तो 15 मई तक लेन देन अगर आप करते हैं, क्या करते हैं? लेन देन, लिखा पढ़ी, तो थोड़ा सोच समझ के करिए, जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो बुध आपका वक्री है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है, बोल रहा है बेटा धीरे से करो, स्लोली करो, आराम से करो, बहुत भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। तो व्यापार में साझेदारी कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। 15 मई के बाद ये बुध का वक्रत्व खत्म हो जाएगा, बुध मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बेहतर परिणाम देती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन 15 मई तक ध्यान से चलिए। सूर्य नारायण भी आपके कुंडली में यहीं पे गोचर कर रहे हैं और 15 मई के पश्चात वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य नारायण का यहाँ पे गोचर करना आपके लिए शुभकारी मंगलकारी है। अश्विनी भरणी कृतिका तीन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, तो जो मई मास में भरणी और कृतिका में गोचर करेंगे, तो भरणी मतलब भरण पोषण राजा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर है। कृतिका जब कृतिका में गोचर करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस समय आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा, क्रोध ज़्यादा आएगा, तुरंत डिसीजन लेंगे टक्क से अलग होने की। सप्तम भाव में जो चार चार ग्रहों की युति बनी हुई है ना, संभाल कर चलने के लिए आपको कह रहे, मई माह संभालिए, उसके बाद रिश्ता संभल जाएगा। मई माह में देखिए सूर्य नारायण जब अष्टम भाव में चले जाएंगे, सूर्य मतलब गुस्सा इमिडिएटली, और क्रोध विवेक का हरण कर लेता है। क्रोध अगन से तेज है, आग से भी तेज है, रिश्ते को खाक कर देता है। खासकर जब कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, कृतिका का मतलब है तेज अग्नि, लपट वाली अग्नि, चाकू या तलवार की धार रिश्ते को टक से काट देगी। तो 10 तारीख से लेके 15 तारीख 5 दिन तक बड़े डिसीजन लेने से बचिएगा। मैं तो कहूँगा 25 तारीख 15 दिन आराम से रिलैक्स से चलिए, यहाँ बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। रिश्ते में इस समय उतार चढ़ाव चल रहा है, तनातनी थोड़ी सी चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, लेकिन वह पथ क्या पथ कुशलता क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, वह नाविक के धैर्य कुशलता क्या धाराएं प्रतिकूल ना हो, जीवन तो इसी का नाम है मित्र, निकाल ले जाइए। सबसे अच्छी बात है इग्नोर आय नमः, एक मौन व्यक्ति 10 बोलने वालों को हराता है। तो थोड़ा सा श्रवण नक्षत्र का प्रभाव लीजिए, सुन लीजिए, स्थितियाँ आपके कंट्रोल में आएगा। राहु यहीं पर चल रहे हैं और राहु सप्तम भाव में सप्तम भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं। ये कितने भी अच्छे राहु हों, राहु को मज़ा ही नहीं आता, राहु इधर उधर ले ही जाते हैं। तो संभालिएगा अपने आप को। राहु महाराज कर्क नवांश में चल रहे हैं इसलिए अभी बुरा नहीं है, इसके बाद जब मिथुन नवांश में आएंगे तब थोड़े से मन भटकेगा। तो अपनी स्थितियों को संभाल कर रखिए। क्या करें? देखिए बुध वक्री हैं तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, ओम गम गणपतये नमः या ओम राम ब्रीम ब्रह्म सह उधाय नमः। पंछियों को मूंग दाल डालें, बाजरा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, बेहतर परिणाम मिलेगा। बहन बेटियों को कुछ गिफ्ट दें, बेहतर परिणाम मिलेगा। शुक्र महाराज की स्थिति आपके स्वास्थ्य को ठीक ठाक दिखा रही है, तो उसके लिए आप लक्ष्मी जी की आराधना करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। मंगल महाराज धीरे से कर्मा के घर में जा रहे हैं, नीच के नहीं होंगे, मैं आपको क्लियर से बता रहा हूँ। अश्लेषा में जाके उनकी जो डिग्री होती है वहाँ पे वो कमज़ोर होते हैं और पुष्य नक्षत्र में बेहतर फल देंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।